Assalamualaikum everyone, hope you all are doing great and well. I'm also fine. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another day, another vlog. अभी मैं होने लगी हूँ तैयार अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बिकॉज टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ माई लास्ट सेमेस्टर ऑफ BS इंग्लिश. लेकिन मैं कल गई नहीं थी तो बस अभी मैं तैयार होंगी. ये रहा मेरा ट्राउज़र और दुपट्टा, ये रहा मेरा कुर्ता बीचरी का, और ये मैंने रात को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दोनों चीज़ों को सेपरेट किया था और ये यहाँ पे मैंने लटका दिया था और ये मैंने यहाँ पे रख दिया था. सो अभी जल्दी से मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, फिर हम करेंगे हल्का फुल्का सा मेकअप जो मैं डेली बेसिस पे करती होती हूँ, और उसके बाद हम जनाब जाएंगे यूनिवर्सिटी. आप लोग के कौन से सेमेस्टर्स हैं भाई? मेरा तो 8 चल रहा है. सुपर डुपर हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 8 जो है ना वो स्टार्ट हो गया. बड़ा इंतज़ार करवाया इस 8 सेमेस्टर ने मुझे बिकॉज आई वाज सो मच क्यूरियस अबाउट माई स्टडीज़. और मुझे बड़ा होता है कि कोई भी चीज़ है तो वह जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो जाए, बट इट टेक्स 4 years विच इज़ वेरी लेजिट, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि 4 साल लेने वाला है. मज़ा आया मुझे ये 4 साल बड़े अप एंड डाउन देख के. बहुत सी चीज़ें इनग्रेट हुई इस लाइफ मेरी लाइफ में इन सालों में. और सबसे बड़ा जो मेरा लॉस था वो मेरे फादर का लॉस था, एज यू पीपल नो दैट. तो वो हुआ. इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हुई जिनको गुजारते हुए हम 8 सेमेस्टर तक आ ही पहुँचे. बट इट वॉज़ अमेजिंग जर्नी एंड द अदर 4 months वुड बी अमेजिंग आई थिंक, एंड आई एम श्योर दैट वुड बी अमेजिंग. सो अभी तैयार होते हैं एंड देन आई विल टेक यू गाइज टू माई यूनिवर्सिटी. मैंने चेंज कर लिया और जो टाइम है ना अभी वो हो रहा है 10:57 11:15 समथिंग पे मेरा जो है वो ऑटो आ जाएगा. देन आई हैव टू लीव. कपड़े चेंज करने के बाद जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है मेरे रूम की विंडो खुल जाना. कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो मेरे ऊपर रहते हैं वो बहुत शोर कर रहे हैं तो आई प्रोबेबली गोना क्लोज इट. यस आई एम जस्ट. कपड़े चेंज करने के बाद चीज़ें मैंने सारी अपने बेड पे रख ली और मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल है. आई प्रोबेबली गोना डिलीट सम ऑफ द स्टफ़ और कुछ मैं अपने मोबाइल दूसरे वाले में ट्रांसफ़र करूँगी, फिर जाके आई एम श्योर के वीडियोस बनेंगी. अच्छा, सबसे पहले मैं लगाऊँगी अपने स्किन पर सनब्लॉक हीट प्रोटेक्शन के लिए और कम्पैक्ट पाउडर, माय फाउंडेशन, माय ब्रश ऑन ब्रश. तो उसके बाद आ जाएगा मेरा मस्कारा और ये आ गया मेरा सारा मेकअप और ये मेरा बैग और ये सब कुछ. तो जल्दी से तैयार होते हैं बिकॉज टाइम अब आगे में कम रह गया. In the middle of tayari, I'm just going to have my cup of tea just to wake myself up for whole of the day and all the challenges that we all have to face in our life. तो मैंने पहन लिया है, कैप्सूल मैंने अपना ले लिया है, दुपट्टा मेरा वो पड़ा हुआ है. अब बस कुछ पैसे लेने हैं और इवन तो मैंने वॉच भी पहन ली है अपनी, एज यू गाइस कैन सी. पैसे लेने हैं, पैसे लूँगी. माय होल लुक फॉर द डे एंड लेट्स गो बिकॉज ऑटो आ चुका है अब. ओके, सो कटिंग द स्टोरी इनटू शॉर्ट और इस वीडियो को स्पीड अप करते हुए मैं आ चुकी थी यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारा इरादा बदल गया लेक्चर लेने का और मेरी फ्रेंड्स पहले से तैयार करनी थी कि हमने बाहर जाना है. सो आई ऑल्सो हैव टू गो विद देम, आई कांट डिच देम. तो मैं इनके साथ निकल आई बाहर. पहले हम आए सारियाज़, लेकिन सारियाज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा था फॉर द पास्ट 2 times कि मैंने उन लोगों को फोर्स किया कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं खाना बिकॉज मुझे इनका खाना खाने के बाद लिटरली बहुत बुरी स्टमक पेन होती है. सो इनको मनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ मिस्टर विंग्स को लेकर और यहाँ से हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा एक अच्छा दिन गुजारेंगे फ्रेंड्स के साथ बिकॉज बहुत दिनों के बाद मिले. और हमने यहाँ पे अपने लिए पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर कर लिए थे और ये बहुत मज़े के. और खाने पीने के बाद आप कुछ मीठा ना खाओ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो हमने ले ली थी स्वीट क्रीम से आइसक्रीम, ये भी बहुत अच्छी थी. और फिर यहाँ पे होने लग पड़ी थी बारिश विच इज़ वेरी वेरी प्रिटी बिकॉज ये जो फ्लोर था ना उस पर बारिश जब गिरी थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी. आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग, मुझे इतना मज़ा आ रहा था. फिर मुझे लेने आ गए थे बिकॉज 2 बजे हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, 12 to 2 क्लासेस थी 2, और हमने वो लेनी नहीं थी तो हम लोग बाहर चले गए और फिर आके तो मैं वापस घर आ गई. ये बहुत मज़े का दिन था. घर आने के बाद ज़रा होमली चोर्स की तरफ चलते हैं. तो हमें कुछ चीज़ें एक्सचेंज करवानी थी, कुछ सौदा वगैरह लेना था. तो मैंने अम्मा को फोर्स किया कि आज ही कर लेते हैं बिकॉज़ मैं फ़्री हूँ, फिर आगे मेरी रेगुलर क्लासेस हैं और शायद मैं छोड़ूँ भी नहीं. लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिकॉज़ मैंने बहुत क्लासेस छोड़ दी और मुझे रिग्रेट भी होता है, लेकिन बाद में पता होता है कि चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट डेज़ हैं, स्टार्टिंग है अभी 2 सेमेस्टर की. कुछ क्लासेस रह भी गई हैं, कुछ छोड़ भी दी हैं, तो कोई बात नहीं बिकॉज़ आप कवर कर लेते हो. बहुत ज़्यादा डीपली स्टडीज़ नहीं होती फर्स्ट डेज़ में अनलेस अगर टीचर ऐसे नहीं हो तो. सो अभी हमें एक कुर्ता एक्सचेंज करवाना है एथनिक से, वो मैंने रख लिया है. इसके अलावा हर ब्रांड पर बहुत से डिस्काउंट्स लगी हुई हैं और मैंने पहले भी बहुत डिस्काउंट्स जो हैं वो अवेल किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में आ रहा था कि क्यों ना एक दफ़ा और चक्कर लगा लिया जाए. मंथ का स्टार्ट है, कुछ ना कुछ ले लिया जाए. डिसीजन चल रहा है कि मैं वो जूता पहनूं या भीगे, पर मुझे कंफर्टेबल चाहिए. सो आई विल वियर दिस वन. और एक और है हुआ मेरे साथ हैंड कि मेरी ये रिंग के जो 2 पेटल्स हैं ना, ये कहीं पे गिर के टूट के गिर गए हैं, मुझे नहीं मिले थे। सो मैंने ऐसे ही पहन लिए। मुझे मेरी फ्रेंड से कहा बुरी नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है, तुम पहन लो, और फील भी नहीं हो रहा है। सो आई होप कि ये फील नहीं हो बिकॉज ये मुझे मिला नहीं है। सो इसी तरह मुझे गुजारा करना पड़ेगा। गाड़ी मैंने अभी स्टार्ट कर दी है, ब्लॉग्स लगाते हैं। हमने कसम खाई हुई है हम ख़त्म नहीं होंगे। ओप्स, अच्छा जी। सो मेरे कामों ने कसम खाई है कि हम ख़त्म नहीं होंगे। अब मुझे रखनी है गाड़ी में वाटर गैलन्स, ताकि वो फुल करा दी जाए। मौसम आज काफ़ी ख़राब है, मतलब अबरमूड हुआ हुआ है। तो अगर बारिश वारिश होती है तो घर से अगर नहीं भी निकला जाता तो एटलीस्ट हमारे पास पानी हो, घर में जाने की ज़रूरत ना हो। मुझे कल जाना है। तो गाड़ी में पहले स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि विंटर्स है, तो ये जो CF का साइन है ना, फिर ये ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ गाड़ी जो है वो फिर ठंडी होती है और आप अगर इसको ऐसे ही चलाते हैं। इस क्लिप के पीछे इतनी अच्छी ऑडियो थी, बहुत मज़े का मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब जब मैंने सुना है तो मेरा बार बार हाथ स्पीकर के ऊपर आ रहा है और वो बहुत ख़राब रिकॉर्डिंग जो है ना वो रिकॉर्ड हुई है। लाइक आवाज़ अच्छी नहीं आई हुई और मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब मैं वॉइस ओवर लगाती हूँ तो मेरी आवाज़ को क्या हो जाता है, बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही होती है ना, कैसे होना नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। और अभी यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि मेरे हाथों में इंतहा की खुश्की आई हुई है। प्रोबेबली गोना यूज़ माई लोशन फ्रॉम माई बैग। घर से निकलते जो सबसे पहला काम मेरे लिए होता है वो होता है फ्यूल डलवाना, उसके बाद कोई बैंक का चक्कर है तो वो लगा लेना। इस तरह से जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो करना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही थी, ये भी मैंने इसका भी ऑडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन वो भी सही नहीं था, आई डोंट नो वाई। और टाइम जो था वो मेरी वॉच पर ख़राब था, जबकि यहाँ पे आई गेस कोई 4 बज रहे थे और यहाँ पे 2 शो हो रहे थे। पता नहीं क्यों वॉच का टाइम ख़राब है, इसको भी सही करूँगी। और अभी मैं अपने बैग से बड़ी ही मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने अपनी बबल्स निकाली हैं और ये मैं अब खाऊँगी ट्राइडेंट, ये बड़ी मज़े की बबल है। अभी मैं आ चुकी हूँ ATM और अभी बस मैं कुछ कैश निकलवाऊँगी, देन आई विल गो बैक and do all the groceries. चले जी। उस साइड के सारे काम करने के बाद, बैंक, फ्यूल और भी 2-3 छोटे छोटे से काम थे, वो सब करने के बाद मैं जा रही हूँ कोहिनूर ब्रांड्स की ज़ियारत करने। जो मेरी अम्मा कहती है तुम लोग अगर ब्रांड्स की ज़ियारत ना करो तो तुम लोगों का तो हफ्ता नहीं गुजरता। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नशा चढ़ गया है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, ये लेना है, वो लेना है, मैं बहुत चीज़ें लेने लग पड़ी हूँ। हालाँकि मैं बहुत कम लेती थी पहले और मैं अपनी सेविंग्स करती थी, लेकिन अब जो हूँ ना मैं इन्वेस्ट करने लग पड़ी हूँ और मेरी ये जो कीड़ा है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज सेविंग्स इज़ अ गुड थिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग। और वो है ना मेरा दिमाग ख़ास किस्म का कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने एक शूज़ रिपेयर करवाने थे, एथनिक के म्यूल्स थे मेरे, और वो उन्होंने रिपेयर नहीं किया बिकॉज दे हैव नो पॉलिसी लाइक दैट, जबकि इट वॉज़ वेरी सिंपल, मुझे बस रिपेयर करवाने थे जो कि नॉर्मली कर देते हैं ब्रांड्स। और एक कुर्ता चेंज करवाना था जो मैंने करवा लिया है, वो आप लोगों को नज़र भी आ रहा है बीच में। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ऑल ऑफ दिस स्टफ बिकॉज बहुत गर्मी लग रही है, तो मैंने केप शॉल भी उतार दी है, सबको मैं गाड़ी में रखूँ। और यहाँ पे जो दिन है वो मेरा हो रहा है एंड, बिकॉज हमने सब्जियाँ वब्जियाँ सारी ले ली हैं, हर काम कर लिया है, ब्रांड से हो लिया, सब कुछ कर लिया है। और ये मेरी जो रिंग है इसका फ्लावर उतर गया था और ये मैंने बैग में रख दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, जबकि इसके जो 2 पेटल्स गुमे थे ना वो भी मुझे मिल गए हैं फ्रॉम माई बैग। आई एम सो हैप्पी बाय द वे। सो यहाँ पे ये बर्गर पॉइंट बहुत मज़े का है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट राइट नाउ। मैं घर से खाना वाना खा के आई थी, अभी घर जाएँगे, दोबारा से खाना बनाएंगे और वो शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ना करूँ, बट आई थिंक मैं नहीं करूँगी। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। विल कैच यू गाइज इन अनदर, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।